क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेशनल नंबर नहीं है, दैट इज इरेशनल नंबर है। इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। किस मेथड से? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या करेंगे? हम सपोज कर लें कि रूट टू जो है रेशनल नंबर है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पर आपको रेशनल नंबर क्या है इसकी डिफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। आपको याद होगा, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि रेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स सच दैट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने मान लिया कि रूट टू जो है रेशनल नंबर है, इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। लिखेंगे P एंड Q belongs to integer. Integer का सिंबल Z है, आप जाने रहो I नहीं लिया जाना चाहिए। P Q belongs to Z. Q does not equal to zero. And P Q are co-prime number. अब आपको जानना चाहिए कि P and Q आर को प्राइम नंबर क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव नो कॉमन नंबर, दैट इज ओनली वन हैव ए कॉमन, देन दोज नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे 2 and 3 आर को प्राइम नंबर, क्योंकि 2 और 3 में 1 कॉमन है। 3 और 4 आर को प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब है कि पी, यहाँ पर एक शर्त और लगा दी गई है, हमने पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर तो है, लेकिन रेशनल नंबर ऐसी रेशनल नंबर है कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर कॉमन नहीं है। दैट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, जैसे 2 and 3, 3 and 4, 5 and 7 इस तरह से। अब हम करना क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन में क्या आएगा? हमने मान लिया कि पी और क्यू में कोई नंबर कॉमन नहीं है, हम ला देंगे कि नहीं पी एंड, अभी आगे चलेंगे तो पी एंड क्यू में कॉमन नंबर आ जाएगा। वही हमारा इमेज जो हम सपोज किए हैं, जो इमेजिन किए हैं, जो माने हैं, वो उसका कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, उसका विरोध करेगा। तो हम कह देंगे कि देयरफॉर रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर? चलते हैं, अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q² आ गया। अब आप देखिए 2q² को आप कह सकते हो कि 2q² को 2 डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि 2 है, जैसे 2 into 3 अगर दिया हुआ 6, तो हम कहेंगे कि जो है 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, या 2 डिवाइड 6, ऐसे ही 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, यानी 2 जो है 2q² को डिवाइड कर रहा है। इम्प्लाइज दैट जब 2q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो चूंकि पी स्क्वायर 2q² के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अच्छा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p। चलिए इतनी बात आ गई। अब 2 डिवाइड्स p, अब हम फिर मान लेंगे इसको, हम इक्वेशन नंबर हम यहां पर 1 मान ले रहे हैं। फिर हम मान लेंगे लेट p इज इक्वल टू 2k। क्या मान लिया हमने? p इज इक्वल टू 2k मान लिया। इम्प्लाइज दैट, अब इसको स्क्वायर कर देंगे, इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर, या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू
फोर के स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ गया? पी स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर, फोर के स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब जो है इस पी स्क्वायर की वैल्यू वन से इसमें पुट कर देंगे, और पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर है, टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर के स्क्वायर, या लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर वन के, इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब फिर टू से डिवाइड हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, पी इक्वल टू टू के यहाँ पर पुट किया है, वेयर के बिलोंग्स टू जेड, ये भी इंटीजर ही है, क्लियर। टू के स्क्वायर, यहाँ मतलब क्या हुआ कि टू के स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है, इम्प्लाइज दैट टू डिवाइड्स टू के स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट, अच्छा जब टू जो है टू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और टू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर के इक्वल टू है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टू जो है डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अच्छा, टू जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टू जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, करेगा, टू डिवाइड्स क्यू के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार आया है कि टू जो है डिवाइड कर रहा है टी को, यहाँ पर आ रहा है टू डिवाइड कर रहा है क्यू को, इसका मतलब कि टी को डिवाइड कर रहा है टू और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है टू, इसका मतलब ये हुआ कि पी में जो है टू मल्टीपुल है, यानी टू इसमें भी है टू इसमें भी है, इसका मतलब टू एंड टू जो है पी एंड क्यू में कॉमन है। तो लिखेंगे सिंस टू डिवाइड्स पी एंड क्यू, इम्प्लाइज दैट पी एंड क्यू है ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर टू, यानी पी और क्यू में टू जो है कॉमन है। तो अब टू कॉमन, हमने क्या कहा था कि पी और क्यू में कोई नंबर कॉमन नहीं है, यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब हुआ दैट इज नो कॉमन फैक्टर इन पी एंड क्यू। हमने ये माना था कि पी और क्यू में कोई चीज कॉमन नहीं है, और यहाँ क्या आ गया कि पी और क्यू में दो जो है कॉमन है, इसका मतलब जो हमने इमेजिन किया था कि रेशनल नंबर है रूट टू, और उसलिए हम उसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका विरोध हो रहा है। दस दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू हैव, दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, सो स्क्वायर रूट ऑफ टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, दैट इज रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन आप अगर पूछा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के बारे में पूछा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव के बारे में पूछा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ सेवन के बारे में पूछा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ इलेवन के बारे में पूछा जाए, तो हर इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, क्लियर।